नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं ग्रेजुएटेड रिलीज सिंगल पाइप एयरबैग सिस्टम, यानी कि मालगाड़ी में वैगन के अंदर ब्रेक कैसे लगता है और रिलीज होता है उसकी बात करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये बीपी पाइप है पूरा का पूरा, यानी कि स्टील का बीपी पाइप है लोहे का, और ये रबर का हॉर्स पाइप है बीपी पाइप। ये पाम कपलिंग है और ये कट ऑफ एंगल कॉक बोलते हैं इसको। इधर भी ये हॉर्स पाइप है रबर का, पाम कपलिंग है और कट ऑफ एंगल कॉक बोलते हैं, ये लगा हुआ है। यहाँ पे डर्ट कलेक्टर लगा हुआ है जो कोई भी हवा के अंदर धूल मिट्टी के कण होते हैं उसको इकट्ठा कर लेता है, और फिर उनके शेड्यूल के अनुसार इसमें एक जाली होती है, उसके खोल के ढक्कन होता है तो उसको खोल के उस डस्ट को बाहर वो मेंटेनेंस वाले वो करते हैं। ये जो है मालगाड़ी का चित्र आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे है गार्ड का ब्रेक वाल, जो ब्रेक वान होता है उसमें एक ब्रेक वाल होता है जिसके द्वारा गार्ड जो है प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, और इसी पाइपलाइन पे ये प्रेशर का गेज लगा, बीपी गेज, क्योंकि सिंगल पाइप जो होता है वो बीपी पाइप ही होता है, सिर्फ बीपी पाइप से ही गाड़ी चार्ज होती है और बीपी पाइप से ही प्रेशर ड्रॉप होकर ब्रेक लगता है। यहाँ जो लगा हुआ ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल के ऊपर एक कंट्रोल रिजर्वायर है, कंट्रोल रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूटर वाल का क्विक रिलीज हैंडल जिसको खींच के ब्रेक को रिलीज किया जाता है, क्विक रिलीज हैंडल है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल का आइसोलेटिंग हैंडल है, ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर में एक डमी प्लग रहता है नीचे जिसको खोलना आसान नहीं होता है, बहुत वो देर से ही खुल सकता है, काफ़ी परिश्रम करने से खुलता है क्योंकि इसको नॉर्मली खोला नहीं जाता है, अपने अपने मेंटेनेंस के शेड्यूल के अनुसार इसको खोलते हैं। ये ब्रेक सिलेंडर, यहाँ ब्रेक सिलेंडर का डमी प्लग भी है, ये पिस्टन है ब्रेक सिलेंडर का। तो यहाँ पे ये ब्रेक लगता कैसे वो देखेंगे हम। जैसा कि हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाल के ऊपर कंट्रोल जो है, यहाँ 5 kg का प्रेशर है, और यहाँ पे जो बीपी पाइप यहाँ से जुड़ा हुआ है लोको के साथ, यहाँ भी 5 kg का बीपी प्रेशर पूरे बीपी पाइप में है, यही बीपी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर वाल में भी जाता है। तो जब बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है या बीपी प्रेशर ड्रॉप किया जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस होने से क्या होता है, ऑक्सिल रिजर्वायर का संबंध जो है ब्रेक सिलेंडर से हो जाता है, और ऑक्सिल रिजर्वायर से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है, अधिकतम 3.8 kg प्रेशर जाता है, जबकि ये चार्ज तो 5 kg से होता है, लेकिन जब ब्रेक लगाने के लिए जाता है तो 3.8 kg अधिकतम जाता है और वैगन को ब्रेक लगते हैं। एक वैगन में एक ही ब्रेक सिलेंडर होता है, हो सकता कोई मॉडिफाइड वैगन हो उसमें दो ब्रेक सिलेंडर हो तो एक अलग बात है, लेकिन जनरली एक वैगन है। तो इस प्रकार ये ब्रेक लगता है, चाहे प्रेशर लोको से ड्रॉप करो, चाहे अपने आप ड्रॉप होता है, चाहे गार्ड ड्रॉप करे, बीपी प्रेशर जब जब ड्रॉप होता तो यहाँ से ब्रेक इस प्रकार लगेगा। अब रिलीज कैसे होगा, जैसे ही बीपी प्रेशर वापस 5 kg हो जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने से क्या होगा, ऑक्सिल रिजर्वायर का संबंध बीसी से कट जाएगा और यहाँ से बीपी का संबंध वापस एआर से हो जाएगा, एआर वापस चार्ज हो जाएगा, और ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा बीसी का प्रेशर, जिससे ब्रेक अपने आप वापस रिलीज हो जाएंगे। कभी इस प्रकार ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं, और जैसे कि माना कि डीवी को आइसोलेट करना होता था, आइसोलेटिंग हैंडल के द्वारा आइसोलेट करके क्विक रिलीज हैंडल को खींचते हैं तो भी ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ब्रेक रिलीज कर सकते हैं। तो अपने आप जब ब्रेक लगते हैं और ब्रेक रिलीज होते हैं, ये हमने देखा कि ब्रेक कैसे लगते हैं और कैसे रिलीज होते हैं। अगर ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो डीवी को रिलीज हैंडल को खींच कर भी ब्रेक रिलीज किया जा सकता है। कभी कोई डिफेक्ट हो, ब्रेक बाइंडिंग हो रहा हो या ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा, तो इस डीवी को आइसोलेट करके फिर क्विक रिलीज हैंडल को भी खींचने से भी ब्रेक रिलीज किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आता है जब बिल्कुल ही रिलीज नहीं हो रहे हैं, इसको रिलीज करने पर भी आइसोलेट करने पर भी, तो डमी प्लग को निकाल खोल कर भी इसका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकाल कर ब्रेक को रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार ये सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक लगता है, रिलीज होता है, और डीवी के द्वारा भी रिलीज इस प्रकार किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके अब मनचाहे वीडियो आप देख सकते हैं।
और ऑडियो देखने के लिए खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद।